हेलो फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, हमारे पास जो मोबाइल है वो जियो का 211 SF211S है। और दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम जो है वो हैंग और लोगो थी। हम आपको सीधा सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने फ्लैश करके भी देखा, सब कुछ करके देखा, फ्लैश भी हुआ, लेकिन प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन के अंदर जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो CPU रिबॉलिंग का होता है, और हमने CPU को निकाल के भी रखा हुआ है, उसको रिबॉल्व भी कर लिया। ये सारी चीज़ें हमने इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि इसका जो फाइनल सॉल्यूशन, एंडलेस सॉल्यूशन जो होता है हैंग ऑन लोगों का, वो क्या है और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब आप फ्लैश करके देख ले और भी कोई पॉड बना के फ्लैश करके सारी चीज़ करके देख ले, हार्ड रिसेट करके देख ले, अगर आपका काम नहीं होता है तो ये जैसे कि होता है CPU, जिसको हम बोलते हैं माई बाप, मोबाइल का माई बाप जिसको बोलते हैं, जो फाइनल होता है। इसके बाद में मोबाइल रिपेयर होता ही होता है, या तो फिर नहीं होगा तो होगा ही नहीं। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर होती है, अगर इंटरनली लाइन ब्रेक होती है। तो दोस्तों, आज हम CPU को रिबॉल करेंगे। यहाँ पे हम इसको देखिए बिठाया है, तो यहाँ पे तरकीब जो हमने आपने देखी, यहाँ पे बिल्कुल क्लीनिंग प्रोसेसिंग का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगाए CPU लगाने से पहले, उसको हल्की सी हीट लगाने के बाद में, और हीट यहाँ पे 350 के करीब होनी चाहिए, और हल्का हल्का उसको राउंड अप में आपको हीट करना है। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि IC जब बिठाना हो आपको, लगाना है, तो आपको ये देखना है जो आपने अंदर पेस्ट लगाया है आपकी हीट लगाने के बाद में, वो बाहर आना चाहिए। अगर बाहर आता है तो वो अंदर का जो बॉयल से वो मेल्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़, आपको डायरेक्ट उसको फाइनल टच नहीं देना, आसपास का देखिए, किसी भी एक पार्ट्स को आपको टारगेट करना है और उसको आपको ट्वीज़र से हिला के देखना है कि वो मेल्ट हुआ कि नहीं हुआ, तब जाके आपको CPU को टच करना है। और अगर लगाने के बाद में आपको नहीं ऐसा लगता है तो आप हल्का उसमें पेस्ट और लगा दें SMD को रोकते हुए। ठीक है दोस्तों, ये हमने पेस्ट और लगाया, हमको लग रहा था नहीं आ रहा बार, इसलिए हमने उसको पेस्ट और लगाया। और लगाने के बाद में आपको ट्वीज़र को टच नहीं करना, सबसे पहले आपको किसी एक कंपोनेंट को टारगेट कर ले, आप उसको टच करके देखिए, अगर वो मेल्ट हो जाता है तभी जाके CPU को आपको फाइनल टच देना है, उसको मूव करना है हल्का सा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ तो अब हमको लग रहा है कि वो मेल्ट हो गया। आसपास का अगर हो जाएगा तो अंदर के बॉयल्स भी मेल्ट हो जाएंगे, ये एक देखने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, और आप देखिए कि CPU के चारों तरफ बॉयल्स होते हैं, इसलिए आपको SMD को राउंड करते रहना, एक जगह आपको SMD को रोकना नहीं है, चारों तरफ उसको अच्छी तरीके से घुमाना है। और जब आपको लगे कि पूरी तरीके से उतर हो गया, मेल्ट हो गया, तो आपको हल्का सा फाइनल टच उसको हिला के देखना, वो टच देने के बाद में रिटर्न आता, अगर वो रिटर्न आता है तो आप समझ जाएँ कि आपका जो CPU है वो बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने फाइनल टच भी दे दिया है, अब हमको लगता है कि CPU शायद कंप्लीट लग चुका होगा। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं, थोड़ा सा वेट करें नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने के लिए, फिर आप थोड़ा सा लिक्विड डाल के इसको क्लीन कर लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लीन कर लिया है, अब यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, तो हम सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है इसमें डिस्प्ले लगाएंगे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बताने के पीछे का मकसद यह है कि आप किसी भी काम को छोटा ना समझें, पहली बात। दूसरी बात कि आप अगर नहीं हो रहा तो हताश ना, उसका फाइनल अगर वो बना बिगड़ा है तो बनेगा भी, क्योंकि बिगड़ने से पहले वो बना हुआ ही था। ठीक है, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, और देखो कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी उसके लिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करें और बेहतरीन टूल्स यूज़ करें अगर पॉसिबल हो। अगर आप एक प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो आपको टूल्स भी चाहिएंगे, अच्छे चाहिएंगे, क्योंकि टूल्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आपका आयरन हो गया, SMD हो गई, आपका पेस्ट हो गया, PPT हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमने लगा दिया, अब हम इसको ऐसे इस DC मशीन से चेक करेंगे एक बार कि हमारा मोबाइल ऑपरेट होता है, जो हैंग ऑन लोगों पे था
या फिर उसी पोजीशन में, या फिर ऑपरेट नहीं होता है। अगर ऑपरेट नहीं होगा तो हम इसको फिर से एक बार रिवॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि रिवॉल्व ये होता है कि नहीं होता है। तो मोबाइल हमारा शायद तक ऑपरेट हो गया है। देखिए दोस्तों, तो इस तरीके की वीडियो हम हमारे चैनल पर डालते रहते हैं। अगर वीडियो से फ़ायदा होता है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे फुल ऑपरेट होने के लिए वेट करते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर वर्क करता है या नहीं करता है। तो हम वेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके की वीडियो डालते ही रहते हैं हम। देखिए दोस्तों, मोबाइल हमारा